हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू क्वेश्चन पॉन्ट ऑनलाइन बेन आर्ट पटल और आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन कोरोजन एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन कोरोजन ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है ठीक है क्वेश्चन इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी उठा लिया कि अगर एग्जाम में ऑक्सीडेशन कोरोजन करके कुछ आया तो आप आराम से लिख दें ठीक है तो सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या कोरोजन क्या होता है सिंपल वही अगर आप पुराने बच्चे हैं तो आप इसको छोड़ के भग सकते हैं ठीक है थोड़ा सा टाइम उस मैंने डाल दिए हैं ठीक है वहाँ पर आप डायरेक्टली जम्प कर सकते हैं और जिसको कोरोजन नहीं पता वो सिंपली यहाँ पे रुक सकते हैं ठीक कोरोजन का मतलब वही सिंपल रस्टिंग ऑफ आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन ठीक है जो आप ये एग्जाम्पल इमेज देख रहे हैं ठीक है जो ये अपनी कीले हैं जिसको अपन आयरन नेल बोलते हैं इंग्लिश की भाषा में ठीक है उसमें जो ये का काली काली सी परत बैठ चुकी है रस्टिंग बैठ चुकी है या फिर हिंदी में बोले तो जंग बैठ चुकी है ठीक है उसी को क्या बोलते हैं अपन कोरोजन जैसे अगर एग्जाम्पल देख जो अपना

करता है किसको कोरोजन को और कर मेटल रिएक्ट डायरेक्टली विद्जन इन द एयर टू फॉर्म ऑक्साइड्स ठीक है जब क्या होता है जो मेटल है जैसे अपन ने ले लिया आयरन जब यह कॉन्टेक्ट करेगा किससे डायरेक्टली गैसेस से वाटर इसके बीच में नहीं आएगा डायरेक्ट अपन जब ये गैसेज से रिएक्ट करेगा और गैसेस में भी अपन ने ले लिया ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ अ लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट ये प्रोसेस क्या है इसको रिक्वायर नहीं होता किसका लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का इट्स अ टाइप ऑफ केमिकल क्रोन जन वेर द मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड लेफ इट्स सर्फेस इसी को क्या बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन कोरोजन आई होपो अपन को क्लियर हो गया होगा ठीक है उसके बाद आगे बढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन कोरोजन किस तरह से ये बनता है ठीक है सबसे पहला पॉइंट द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन कोरोजन कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग स्टेप ये कुछ स्टेप्स जिससे ऑक्सीडेशन कोरोजन फॉर्म होता है सबसे पहले क्या है है इनिशिएशन ठीक इसमें क्या होगा द मेटल सर्फेस कम इन टू द कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन इन द एयर ठीक है सबसे पहली स्टेप हर उसमें वही होगी कि जो अपना मेटल सर्फेस है वो किसके कॉन्टेक्ट में आएगा ऑक्सीजन जो अपनी एयर में घूम रही है चारों पर ठीक है उसके बाद दिस इज हैपन एट एलिवेटेड टेम्परेचर वेयर द मेटल एटम आटम सफिशियन

जैसे फॉर एग्जांपल जो अपना आयरन था ठीक है ये किसके साथ रिएक्ट किया आयरन मतलब मे मेटल केटायन ठीक है मेटल केटायन मतलब ये आयरन का केटायन ठीक है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है Fe2O3 Fe2O3 मतलब रस्ट और इसको अगर सिंपल इसका क्या तो नाम देखें तो क्या है आयरन ऑक्साइड ठीक है इतनी चीज क्लियर हुई उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगी ग्रोथ ऑफ द ऑक्साइड लेयर एस द ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंटिन्यू द ऑक्साइड लेयर थिकर ठीक है उसके बाद द नेचर ऑफ दिस लेयर डिटरमाइन द फर्दर प्रोग्रेस प्रोग्रेशन ऑफ द कोरोजन ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर क्या है प्रोटेक्टिव वर्सिस नॉन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेर सबसे पहले प्रोटेक्टिव लेयर को देख ले प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेफ्रेंशिएट बिटवी बन सकता है या फिर ये डिफाइन करने को भी आ सकता है प्रोटेक्टिव और नॉन प्रोटेक्टिव लेयर क्या होता है ऑक्साइड लेर क्या होता है ठीक है तो उसमें सबसे सब पहला पॉइंट क्या है सम मेटल फॉर्म अ डेंस एथरेट ऑक्साइड लेयर दैट एक्ट एज अ बेरियर शोइंग डाउन फर्दर ऑक्सीडेशन ठीक है प्रोटेक्टिव वेयर में क्या होता है कुछ आइटम्स होते हैं ठीक है जो क्या करते हैं कोरोजन को रेजिस्ट करते हैं और वो किसके काम में आते हैं बैरियर के काम में ठीक है बैरियर जो है उसमें ले आते हैं ठीक है जो मतलब एनवायरमेंट और मेटल के बीच में जो कॉन्टेक्ट होता है उसके बीच में एक बैरियर ले आते हैं जैसे अगर कोटिंग की बात करें पेंट वेंट जब अपन कर देते हैं आयन सरफेस पे तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता उसी तरह है ठीक है एग्जाम्पलिन एल्यूमिनियम अ थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ एल्युमिनियम ऑक्साइड दैट प्रिवेंट फर्दर कोरोजन ठीक है जो अपनी एल्युमिनियम लेयर है थिन लेयर है वो क्या करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है जो प्रिवेंट करता है बचाता है किसे क्रोजन से ठीक है उसके बाद नॉन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर जैसे अदर मेटल फॉर्म पोरस और फ्लैकी ऑक्साइड लेयर दैट डू नॉट अदर वेल टू द मेटल सर्फेस ऑलोइंग ऑक्सीजन टू पेनेट्रेट एंड कंटिन्यू द कुरोजन प्रोसेस कुछ ऐसी लेयर भी होती है जो क्या करती है क्रोजन को क्या रजिस्ट नहीं कर पाती है, ठीक है वो कंटिन्यू होने देती है जिसकी वजह से क्या हो जाता है कंटिन्यू होता है क्रोजन प्रोसेस ठीक है उसके बाद फॉर एक्साम्पल इसमें बता सकते हैं कि आयरन फॉर्म्स अ अफ्लैकी रस्ट लेयर आयरन ऑक्साइड दैट अलाउ कंटिन्यू द ऑक्सीडेशन इट ठीक है आई होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी ठीक है सिंपली आपको नोट कर लेना है इससे पहले वाली चीज जो अपना मैकेनिज्म है इसको आपको सिंपली नोट कर लेना है ठीक है उसके बाद ये तो इसी के साथ आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है छोटे से टॉपिक था अपना पांच से सात मिनट की वीडियो बनी होगी ठीक है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन कोरोजन और ऑक्सीडेशन uh, कोरोजन ये एग्जाम में पूछ लिया गया था एक बार आया था समझने का नहीं है, जो, जो आपको बताया, वो सी में रखनी है और जो नोट्स बनाए उसको सा पढ़ लेना है ठीक है आप आराम से इसमें लिख के आ जाएंगे ठीक क्योंकि मैंने जब और बुक्स देखी और शिवानी बिवानी देखी तो उसमें क्या है इसको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के रिख दिया जितना लिखने की जरूरत नहीं थी ठीक है नॉर्मली आराम से छोटे उसमें भी समझा सकते थे ठीक है बाकी ये कुछ कोर्सेस है अपने इसको आप चेकआउट कर सकते हैं देख सकते हैं ठीक है जो अपने फ्री चल रहा है इसकी सारी की प्ले आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी ठीक है बाकी ये कुछ पेड कोर्सेज हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ठीक है अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है अगर आपकी बैग से लगी इजी और एम में आप लेके परचेज करके पढ़ सकते हैं सबका प्राइस सेवन नाइनटी नाइन है ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बाकी एम टू भी है अगर आपके सब्जेक्ट इस सहम में आपका एम होगा ठीक है अगर कोई भी दिक्कत आती है कि एम समझ में नहीं आ रहा है ठीक है या फिर बहुत पास एग्जाम आ चुके हैं अगर कहीं कोई भी दिक्कत आती है सिंपली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको जाके सिंपली लेके पढ़ना स्टार्ट करना है ठीक है इन और कोई भी क्वारी हो इन चीज़ से रिलेटेड सिंपली आपको कॉल करके पूछ लेना है बाकी ये अपना एक एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल हमने स्टार्ट किया है ठीक है अभी बस चैनल बनाएं हमारा गोल है कि आप दो महीने बाद हम इसमें वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे तब तक आप इसको वन के तक कर देंगे ठीक है क्योंकि बन के तक करने का क्यों है क्योंकि जैसे ही हम डालना स्टार्ट करेंगे हमारे पास कुछ बच्चों का बेस होगा ठीक है उनके पास सबसे पहले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जाएगी और आपका जैसे ही ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा जैसे जैसे ही आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो बहुत से बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कोडिंग जर्नी से रिलेटेड ठीक है कि क्या क्या करें किस तरह से अपनी स्टार्ट करें जर्नी क्योंकि बहुत से लोग फर्स्ट ईयर में नहीं करते हैं ठीक है जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारे इसमें जो है टॉपिक आपके रिजॉल्व हो रहे होंगे ठीक है और इसमें स्टार्टिंग में हम तीन कोर्सेज जो है करेंगे जैसे हो गया अपना पाइथन जावा प्लस डी ए और सी प्लस 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 डी ए ठीक है ये कोर्सेस अपने इसमें डालने वाले हैं ठीक है और इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल इस चैनल का भी यही रहा है एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन चैनल का भी कि क्वालिटी कॉन्टेंट मिलना चाहिए ठीक है कि एक बिगिनर फ्रेंडली बच्चा भी इसको खरीद पाए ठीक है और उसके बाद लोएस्ट इसका प्राइस होना चाहिए ठीक है कि अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए कोई भी आराम से ले पाए कोर्सेस ठीक है तो सिंपली इसका यही एजेंडा रहेगा कि कोई भी क्वालिटी कॉन्टेंट आपको मिलेगा जो भी आप कोर्सेज इधर उधर देख रहे हैं ठीक है सबसे आपको लोएस्ट प्राइस मिलेगा और क्वालिटी कॉन्टेंट मिलेगा ठीक है तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं कोई भी क्वरी हो कोर्सेज से रिलेटेड आप सिंपली कॉल करके पूछ सकते हैं नंबर पे ठीक है तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बाय